अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सरकार से मांग रहे, नीतीश कुमार से मांग रहे। कुमार तो है नहीं यहाँ, भाग गए हैं, मौका है, जब विषय आती है भाग जाते हैं। उनको तो अपना घर परिवार है नहीं, दूसरे का घर परिवार का दर्द उनको मालूम कैसे होगा। राजधानी पटना में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 20 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए पटना के डाक बंगला चौराहे को पूरी तरीके से घेर लिया और आवागमन सेवा भी बाधित कर दी गई। इन लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि 4 घंटे काम के बजाय 12 घंटा काम लिया जाता है, हम लोगों का मानदेय भी नहीं दिया जाता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मांग की है कि सेविका को 3rd ग्रेड और सहायिका को 4th वर्गीय श्रेणी में शामिल किया जाए। समान काम का समान वेतन की तर्ज पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का 25,000 वेतन मान सरकार की ओर से दिया जाए, साथ ही पेंशन भी दी जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका के मरने के बाद मुआवजा के तौर पर परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि हम लोगों को आंगनबाड़ी सेविकाओं के मृत्यु के बाद उन्हें 4 लाख देने की बात कही गई थी, जो 2018 से अभी तक किसी को नहीं मिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम लोगों की ये मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे बिहार में उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोग मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण से हम लोग आए हुए हैं, मेरा प्रखंड कोटवा हुआ। हम लोग का मांग है कि हम लोग का मतलब महीना 5600 रुपये देती है सरकार, लेकिन काम हम लोग 24 घंटा करते हैं। हम लोग का बच्चा कुपोषित हो गया, लेकिन हम लोग देश को कुपोषित से बचाते हैं। अभी हम लोग मतलब एक मजदूर जाता है काम करने के लिए हम लोग के खेतों में, तो हम लोग 500 रुपया उसको दे देते हैं दिन भर का, लेकिन हम लोग महीना दिन काम कर रहे हैं तो हम लोग को 5600 रुपया मिलता है। लेकिन आंधी सरकार जो बहरी है उसको दिखाई नहीं देता है। आज वह कहता है कि भारत मेरा पोलियो मुक्त हो गया। भारत को पोलियो मुक्त कौन किया? सेविका की है, सेविका के द्वारा ही पोलियो मुक्त भारत हुआ है, लेकिन उसको भी नहीं दिखाई देता है। कोई भी काम आता है तो सेविका करेगी, लेकिन पैसा देने के लिए सेविका नहीं दिखाई देती है उसको। हम लोग का मांग है कि हम लोग का वेतन मान करें, हम लोग का मानदेय जो है उसको हटा दे। हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे। कुमार तो है नहीं यहाँ, भाग गए हैं, मौका है, जब भी सेविका आती है भाग जाते हैं। उनको तो अपना घर परिवार है नहीं, दूसरे का घर परिवार का दर्द उनको मालूम कैसे होगा। कहते हैं नारी का शक्तिकरण है, लेकिन नारी का शोषण करते हैं। नीतीश बाबू जो है नारी का शोषण करते हैं। आज उनको दर्द रहता है कि मेरी माँ बहने जो भी है आई हुई हैं, बहुत बहुत पूरे जिले की यहाँ पर उतरी हुई हैं, तो वह आज पटना में रहते और सबका दुख दर्द सुनते और कुछ ना कुछ इस पर कहते कि हाँ मेरी इतनी बहने आई हुई हैं, उसका भी कोई मांग मर्याद हम करें। वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए लोग बाबू डरा करता है, छाती पीटता है लोग, एक बार बचा दो अभी बढ़िया।